डिजास्टर मैनेजमेंट हो या दूसरा एसडीआरएफ या कोई इमरजेंसी महकमा आए, तब तक आप लोगों को ही फर्स्ट रेस्पॉन्डर बनना है। अगर हम डिजास्टर्स की बात करें, मुख्तलिफ डिजास्टर्स आते हैं जैसे अर्थक्वेक हो, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, सॉइल इरोजंस या फायर्स। अगर हम अपने डिपार्टमेंट की बात करें, ये डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज हुआ इन 1803। सबसे पहले बन गया बम्बई फायर ब्रिगेड अंडर पुलिस, फिर 1893 में बन गया श्रीनगर फायर ब्रिगेड अंडर पुलिस। हमने तकरीबन पूरे जम्मू कश्मीर में ये फायर सर्विस, फायर अवेयरनेस प्रोग्राम्स मुनक्किद किए। हालांकि इस सिलसिले में यहां पिछले साल भी इस कॉलेज में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। या अगर मैं अपने इलाके की बात करूं, तकरीबन हमने हर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को कवर किया पिछले साल, जहां हमने ये फायर अवेयरनेस प्रोग्राम्स मुनक्किद किए। उससे हमें क्या फायदा मिला? कम से कम हमें यह देखने में आया कि यह जो फायर कॉल्स हमें रोनमा होती थी या फायर इंसिडेंट होते थे, उनमें थोड़ी सी डिक्रीज हो गई। या डेथ रेशियो जो था पिछले सालों में के मुकाबले में 2023 में डेथ रेशियो भी बहुत कम हुआ, या इंजरीज जो इस फायर की वजह से होती है। अच्छा, अगर हम अब फायर की बात करें, क्योंकि स्टूडेंट होने के नाते आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि फायर चीज है क्या, ये किस चीज से लगती है, इसके वजूहात क्या बनते हैं, हमें इसको कैसे टैकल करना है ताकि इन नुकसान को जो इस फायर इन फायर से होते हैं, उन नुकसान को हम कम होने दें। फायर की बात करें, अगर हम अपने किचन में देखें, जो हमारे घरों में सबके घरों में है, तीन चीजें हमारे किचन में मौजूद होती हैं, ऑक्सीजन भी होता है, फ्यूल भी होता है और हीट सोर्स। हीट सोर्स किस चीज, जैसे हमारे घरों में हीटर होता है, गैस स्टोव होता है या और कोई सोर्स होता है। फ्यूअल मटीरियल ऑलरेडी, चाहे कर्टेन्स हो या मैटिंग या विंडोज डोर्स, ये फ्यूअल मटीरियल है। ऑक्सीजन, आग लगने के लिए हमें ऑक्सीजन की 16% जरूरत पड़ती है। अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें, इस एटमॉस्फेयर में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होता है, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और सबसे अहम, उस वक्त एक रेस्पॉन्डर जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर हो, अगर वो एहतियात से काम ले तो वो आग को उसी वक्त बुझा सकता। मिसाल अगर हम बात करें, किसी लिक्विड में, किसी पेट्रोलियम में या गैस में या किसी सॉलिड में आग लग गई, हम सिंपली अगर किसी सॉलिड में बाल्टी पानी की एक बाल्टी लाएंगे, उसके ऊपर छिड़केंगे, आग बुझ जाएगी। लेकिन हम डरते हैं, आग के वक्त हमें डरने की जरूरत नहीं है। तभी मैंने आपको बताया पहले कि सबसे पहले हमें एक्टिवेट होना है। एक्टिवेट क्यों होना है, कि हमें करना क्या है, ये जहन में रखना है कि ये जो आग है किस चीज में लगी है, इसी चीज के लिए हमें एक्टिवेट होना है। अब इसके बाद आती है दूसरी स्टेज, इसी स्टेज पे हम बुझा सकते हैं। अगर हम नहीं बुझाए तो उसी वक्त हमें कॉल करनी, ये नहीं देखना है कि आग फैलती है ना फैलती है। ज्यादातर हमें देखने में आया कि जब आग पूरी लगती है, लोग भागते हैं, चिल्लाते हैं, भागना भी है, चिल्लाना भी है, लेकिन यह चीज भूल जाते हैं कि हमें किसी को कॉल करना है। जब आग पूरी लगती है तब कॉल करते हैं, उससे क्या हो जाता है, फिर नुकसान ज्यादा हो जाता है। ग्रोथ स्टेज में क्या हो जाता है, जब आग थोड़ी थोड़ी भड़कना शुरू हो गई, उस वक्त भी हम अगर एहतियात से काम लें तो हम उस आग को बुझा सकते हैं। अपने इलाके की बात करूं मैं, उस लाइफ को हमें रेस्क्यू करना है, किस तरीके से करें वो उस वक्त डिपेंड करता है। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, हॉस्पिटल्स में हमने प्रोग्राम किए, वहां हमने बताया उनको कि कम से कम वहां होते हैं इमरजेंसी एग्जिट्स। वो इमरजेंसी एग्जिट्स हमेशा ऐसे होने चाहिए कि वो खुले हों। श्रीनगर बरजुला में एक वक्त हम गए यही अवेयरनेस प्रोग्राम देने, वहां हमने देखा जो इमरजेंसी एग्जिट था वो बंद, फिर उसका फायदा। एक्सटिंक्शन होना, इट शुड बी इजीली अप्रोचेबल, कि कोई भी उठा सके उसे,
क्योंकि आप कॉलेज में कोई छोटा बच्चा तो नहीं आया, वो उसके साथ खेलेगा तो नहीं। कॉलेज में कम से कम अप्रोचेबल होने चाहिए कि खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई इंसिडेंट हो, स्टूडेंट उधर से गुजरा, ही शुड लिफ्ट द एक्सटेंशन एंड डाउज द फायर। समझिए, सबसे पहले हमें यह चीज देखनी है कि यह गैस सिलेंडर कहीं एक्सपायर तो नहीं हुआ है। गैस सिलेंडर भी एक्सपायर होता है। मैं पिछले साल यही त्राल में गैस सिलेंडर लाने गया, वहां जब मैंने देखा, मैंने उसको बोला कि गैस सिलेंडर एक्सपायर हो गया। वो मुझे ऐसे देखता है, ये क्या कह रहा है, गैस सिलेंडर एक्सपायर हुआ है? लेकिन होता है, ये देखे इसमें लिखा है B26। क्या लिखा है? B26। 26 का मतलब हुआ 2026 में यह एक्सपायर हो गया। अब ये बी हमें समझना है, एक ईयर को इन कंपनी वालों ने चार क्वार्टर्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट 3 मंथ्स, सेकंड 3, 3rd 3 एंड लास्ट 3 मंथ्स। जब ए लिखा होगा उसका मतलब है जन फेब्रुअरी एंड मार्च, इसमें लिखा है B26 अप्रैल में जून। अब आप बताइए B26 ये कब एक्सपायर होगा? June 2026 तक हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद हमें ये इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। या अगर हमें इतना भी ना आए तो हम देखें ये जो सिलेंडर है, हमें देखना है कि अगर ये ज्यादा पुराना है उस वक्त भी हम उसको कह सकते हैं कि ना हम ये नहीं, क्योंकि हमें पैसे अपने जेब से देने हैं, सेफ्टी हमारी है, क्यों हम पुराना सिलेंडर लेंगे? उसको तो पैसे देने हैं, उसकी अपनी खुदगर्जी होगी, हम खुदगर्जी नहीं मानेंगे। हम उसको कहेंगे कि नहीं, हमें नए सिलेंडर दीजिए, कम से कम जो एक्सपायर ना हो। या उसके बाद जब हम देखते हैं गैस सिलेंडर ऐसा आता है, ये उसके ऊपर होता है, हम बाहरी किचन में नहीं, बाहरी ये देखेंगे, ये निकालेंगे, इसको अंदर एक काली वाशल होती है, इसको हमें देखना है कि ये इसमें है कि नहीं। अगर है तो ठीक, अगर टूटी है फिर भी नहीं पकड़ना इसको, उसको कहें कि ये वापस ले लो, हमें दूसरा सिलेंडर दे दो। उससे क्या हो जाता है, अगर ये वाशल नहीं होगी इसमें, जो ये उसके ऊपर ये रेगुलेटर रखेंगे, आग लगाएंगे, इस रेगुलेटर में आग लगेगी, जो ही आग लग गई तो नुकसान हमारा हो जाएगा। बाथरूम में रखा था, बाथरूम से पाइप जाती थी अंदर किचन में, जो ही उन्होंने इसके ऊपर वो रेगुलेटर लगाया, तीली जलाई, उसमें आग लग गई, वहां नुकसान भी हो गया लेकिन बहुत कम नुकसान हो गया उस वजह से। इसीलिए हम रिकमेंड कर दें कि हम चाहे कोई भी हमें कहे, हम कह दें कि सिलेंडर को ही बाहर निकालो, अगर बाहर लगेगी भी आग तो लगने दो, अगर हम बुझा नहीं पाएंगे कम से कम इतना तो हो जाएगा कि हमारा मकान या हमारा कोई भी इमारत हो वो हमें बच जाए, उसमें आग नहीं लगेगी। तो कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते। अब हमारे तुफैल साहब वो थोड़ा प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे ऑक्सीजन बंद करेंगे, है ना? ये क्या हुआ, ऑक्सीजन बंद हो गया और कुछ नहीं हुआ, या जब बाहर सिलेंडर होगा अंदर आग होगी। देखो इससे क्या हुआ, ये भी ऑक्सीजन बंद, सप्लाई बंद हो गई, गैस की सप्लाई बंद हो गई, यहाँ से ऑक्सीजन हमने बंद किया। ये एक मेथड था। अब दूसरा मेथड, अब फिर हम दिखाते हैं हम ऑक्सीजन कैसे, इससे क्या हुआ, इससे भी ऑक्सीजन बंद हुआ। अलबत्ता ये 90 डिग्री पढ़ना चाहिए ऐसे, या अगर ऐसे पड़ गया तो आग किस साइड आएगी, अपनी तरफ जलने का खतरा है, ये 90 डिग्री पढ़ना चाहिए। अगर आप में से किसी को ट्राई करनी है, डरना नहीं है, मत डरो, जब हम नहीं बाथरूम में रखा था, बाथरूम से पाइप जाती थी अंदर किचन में, जो ही उन्होंने इसके ऊपर वो रेगुलेटर लगाया, तीली जलाई, उसमें आग लग गई, वहां नुकसान भी हो गया लेकिन बहुत कम नुकसान हो गया।
उस वजह से। इसीलिए हम रिकमेंड कर दें कि हम चाहे कोई भी हमें कहे, हम कह दें कि सिलेंडर को ही बाहर निकालो। अगर बाहर लगेगी भी आग तो लगने दो, अगर हम बुझा नहीं पाएंगे कम से कम इतना तो हो जाएगा कि हमारा मकान या हमारा कोई भी इमारत हो वो हमें बच जाए, उसमें आग नहीं लगेगी। वहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, आगे से नहीं, यहाँ से एकदम मार दिया, ठीक है। डरना नहीं है, वहाँ से किसी भी वो भी हम दिखाएंगे। हमेशा ऊपर से रहते हैं, कोई रूल होता है। गुड 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 गुड। और कोई है? आजा बेटे, डरने के बगैर, जो डर गया वो मार के आजा।